गुड आफ्टरनून नहीं बोलते हैं, हम कभी गुड इवनिंग या गुड नाइट नहीं बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं गुड मॉर्निंग, राइट? बिकॉज गुड मॉर्निंग का एक खास मतलब होता है हमारे बिजनेस के अंदर, गुड मोर अर्निंग। और आज का जो सेशन है, ये सेशन मैंने पहले भी कई बार किया है, वीआईपी सेशन में अक्सर करता रहता हूँ, आप में से बहुत लोगों ने वीआईपी अटेंड करी होगी, लेकिन आज आप में से बहुत लोगों के लिए सेशन बिल्कुल नया होगा और थोड़ा अलग चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा, और इनफैक्ट ये सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, ये सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए, वो सवाल ये है कि आज हम वेस्टीज के साथ क्यों जुड़े? आज हम वेस्टीज के साथ अगर अपना करियर बनाएं तो क्यों बनाएं? या आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति वेस्टीज के साथ जुड़ेगा तो उसके पीछे क्या कारण होना चाहिए? एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि किसी भी इंसान की जिंदगी में वो क्या चाहता है, उससे ज्यादा महत्व ये होता है कि वो कोई भी चीज क्यों चाहता है। क्योंकि जब तक आपके पास क्यों का जवाब नहीं होता, तब तक आपके पास क्या और कैसे का जवाब नहीं होता। नाउ व्हाट डू यू वांट इन लाइफ एंड व्हाई शुड यू ज्वाइन वेस्टीज, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वेस्टीज को एक करियर के तौर पर हमें क्यों देखना है या करियर के तौर पर क्यों लेना है। नाउ जब हम करियर की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल होता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि आज मैं वेस्टीज को करियर के तौर पे क्यों चुनूं? आप में से बहुत सारे लोगों ने यह शब्द अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, जिसको हम कहते हैं करियर, राइट? और साइकिल के पीछे वाला जो होता है वो कैरियर होता है। मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपसे करियर की बात कर रहा हूँ। व्हाई टू चूज वेस्टीज एज ए करियर? करियर का हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है जीविका। जीविका के तौर पर आज वेस्टीज को क्यों चुनना है, आज ये सवाल किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप वेस्टीज में कितना सफल होंगे, आप वेस्टीज में कितना कामयाब होंगे, वो एक चीज पे डिपेंड करता है कि आपका वेस्टीज को करने का मकसद कितना स्ट्रांग है, आपका वेस्टीज को करने का रीजन कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आपका रीजन स्ट्रांग होगा तो आपका कमिटमेंट लेवल हाई होगा, और अगर आपका कमिटमेंट लेवल हाई होगा तो आपकी सफलता वेस्टीज में बहुत बड़ी होगी, राइट? आज इन बदलते हालातों में अगर हम बात करें तो मैं आपसे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि इन सवालों के जवाब आप अपने आप को दें, बिकॉज यू नो इंसान को अपने आप से कुछ सवाल करते रहने चाहिए जिंदगी में समय समय पर। और पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो सवाल ये है, क्या आज हम अपनी इनकम से खुश हैं जो आज हम हर महीना कमाते हैं? हालांकि आज के समय में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज आप देख रहे हैं ऑल अक्रॉस वर्ल्ड एक ऐसा माहौल है जहां पर बहुत सारे लोग एक यू नो भय की स्थिति में है, मैं कहूंगा डर की स्थिति में है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको अभी रिकवर होने में काफी समय लगेगा। बहुत सारे यू नो बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका मॉडल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, या आने वाले में समय में मॉडल बहुत चेंज हो जाएगा बहुत हद तक। इन चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे तीन चीजों की बात करूंगा, नंबर वन आपकी इनकम, नंबर टू आप अपने काम से कितना सेटिस्फाइड हैं जो काम आप कर रहे हैं, राइट? जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका अपना कुछ और काम हो। और तीसरा सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आपकी जिंदगी में कोई ग्रोथ प्लान है? ग्रोथ प्लान का मतलब आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आने वाले 5 साल या आने वाले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज कही जाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और हमें अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। ये सवाल बहुत से लोग अपने आप से नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, और वो सवाल ये है कि आने वाले 3 साल बाद हमारी इनकम कितनी होगी, आने वाले 5 साल बाद हमारी इनकम कितनी होगी, आने वाले 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, आने वाले 30 साल बाद हमारी इनकम कितनी होगी। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आज आप देखें तो समय के साथ यू नो महंगाई बढ़ रही है, समय के साथ इंसान की जरूरतें बढ़ रही हैं, और समय के साथ यू नो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। और बदलते समय के अंदर एक चीज का बढ़ना बहुत जरूरी होता है, वो होती है हमारी इनकम। एक बात कही जाती थी आज से बहुत साल पहले तक कि आप सेविंग करो, सेविंग करोगे तो आपका पैसा बचेगा, फिर आप उस पैसे को अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि सेविंग करना कोई बुरी बात नहीं है, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सेविंग आप करते हैं वो सेविंग हमेशा लिमिटेड होती है, क्योंकि जिस इनकम से आप वो सेविंग कर रहे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सो इनकम लिमिटेड होती है। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप किसी और काम में हैं, तो इनकम को बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग करने से, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप सेविंग भी ज्यादा कर पाओगे, आप अपने लिए एक बेटर भविष्य का निर्माण कर पाओगे। और यहाँ पर जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हम अपने फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर की, हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर की, हम बात कर रहे हैं अपने परिवार के फ्यूचर की। एक सिक्योरिटी जो हम सब चाहते हैं कि हम अपने परिवार को दें, एक अच्छा लाइफस्टाइल जो हम सब चाहते हैं हम अपने परिवार को दें, लेकिन होता क्या है कि बहुत सी बार लाइफ में पूरी जिंदगी मेहनत करते करते इंसान अपनी जरूरतों को तो पूरा कर पाता है, लेकिन अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाता। आज मैं आपसे सिर्फ जरूरतों की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे सपनों की बात करूंगा। और मैं सपनों की बात इसलिए करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अगर आप सिर्फ जरूरतों पे काम कर रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी जरूरतें पूरी कर लोगे, लेकिन आप अगर अपने सपनों को पूरा करने पे काम कर रहे हो तो याद रखिएगा सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, और सपनों के पूरे होने से जरूरतें अपने आप पूरी होती हैं। और बड़ा सोचना बहुत जरूरी है लाइफ में। हमारी कंपनी के MD सर एक बात हमेशा बोलते हैं कि आप अगर बड़ा सोचेंगे तो लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वो हमेशा एक बात बोलते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो, क्योंकि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। और जितना समय आपको छोटा सोचने में लगता है, लगभग उतना ही समय आपको बड़ा सोचने में लगता है। तो आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूँ कि आने वाले 3 साल बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आने वाले 5 साल बाद आपकी इनकम कितनी होगी, 10 साल बाद लाइफस्टाइल क्या होगा, 30 साल बाद लाइफस्टाइल क्या होगा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे बता सकते हैं, देखिए समय पे हमारा कंट्रोल नहीं है, चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये कोरोना आ गया, हम में से किसी को नहीं पता था कोरोना आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, दुनिया अंत हो जाएगी, आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, राइट। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके साथ क्या होता है, दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो चीजें आपके साथ हो रही हैं उन चीजों को आप हैंडल कैसे करते हैं और उन चीजों को आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी होगी, आपके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मैं देखता हूँ लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं किसी मसीहा के आने का, जो इंतजार करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के आने का जो आएगा और उनकी लाइफ को चेंज कर देगा। आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, कोई मसीहा नहीं आने वाला, कोई व्यक्ति नहीं आने वाला, आपको अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आपको चार्ज लेना होगा। और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आज एक डिसीजन लेना होगा कि मुझे वेस्टीज क्यों चुनना है करियर के तौर पे, क्योंकि अगर आप सिर्फ जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, अगर आप एक जिंदगी को काटना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आज वेस्टीज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसने अभी तक लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज किया है, राइट। यहां पर मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जब आप वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछता वेस्टीज, आप कितना पढ़े हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कहां से हैं, ये सब मायने नहीं रखता। वेस्टीज में सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं और आप कितना आगे लाइफ में जाना चाहते हैं। अब आज वेस्टीज के अंदर अगर आप देखें तो सिंपल हाउसवाइफ्स आज महीने का लाखों रुपए कमाती हैं, आज स्टूडेंट्स जो 25-25, 26-26 साल के लड़के हैं आज महीने का 5-5 लाख रुपए वेस्टीज के प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। आपको हर फील्ड का व्यक्ति आज वेस्टीज के अंदर सफल होता हुआ दिखता है ऑल अक्रॉस इंडिया। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट अब इंडिया के बाहर भी आप लोग देखते हैं कि वेस्टीज इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी जो ग्लोबल लेवल पे जाके काम कर रही है। आज वर्ल्ड की टॉप 30th रैंक पे आज वेस्टीज आके खड़ा हो गया। आप एक चीज समझिए कि जब वेस्टीज का वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में नाम आया था तो पहली बार हमारी जो रैंक आई थी वो आई थी 93rd, उसके बाद हमारी जो रैंक आई वो आई 63rd, और अभी जो हमारी रैंक आई है वो आई है 30th। तो आप ये देख रहे हैं कि हम जो भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं लगभग 30-30 कदम हम लोग आगे जा रहे हैं। इसका मतलब छलांग बहुत लंबी वेस्टीज ले रहा है एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर
आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज ये डिसीजन आपको अपने लिए लेना है कि मुझे वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है, क्योंकि ये डिसीजन आपके अपलाइन नहीं लेंगे, ये डिसीजन आपको स्वयं अपने लिए लेना होगा। तो आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा, और इस सवाल का जवाब मैं अभी इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपसे नहीं चाहूंगा, ये सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं और अपने आप से करना भी चाहिए हर इंसान को। ये सवाल ये है कि आप क्या आप अपनी जिंदगी को वैसे ही बिताना चाहते हैं जैसे आपने अभी तक अपनी जिंदगी बिताई है, या फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव चाहते हैं। देखिए इस दुनिया में हर इंसान बदलाव चाहता है, इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता। हर इंसान जो आपको इस पूरी पृथ्वी पे मिलेगा, एवरीबडी वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स, वो अमीर होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक अंतर होता है नॉर्मल इंसान में और सफल इंसान में। नॉर्मल इंसान सोचता है लेकिन डिसीजन नहीं लेता, और सफल इंसान सोचने के बाद डिसीजन लेता है और उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेता है। तो आज ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आज आपको वेस्टीज को एक करियर के तौर पे क्यों चुनना है। नाउ जब हम बात कर रहे हैं वेस्टीज को करियर के तौर पे क्यों चुने, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि यू नो वेस्टीज और किसी भी और काम में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो भी आप करियर चुनते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस काम से आज वेस्टीज को कंपेयर कर लेना बहुत जरूरी है। आज ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को करते हुए मैं वेस्टीज का चुनाव क्यों करूँ। आप में से बहुत लोग अभी जॉब कर रहे होंगे, आप में से बहुत लोगों का अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, आप में से बहुत से लोग यू नो कुछ और काम करते होंगे, कोई लॉयर होगा, कोई व्यक्ति अकाउंटेंट होगा। तब जब आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो उस काम के साथ में आपको वेस्टीज का बिजनेस क्यों बिल्ड करना है, ये सवाल आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो करियर की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज की जब मैं बात कर रहा हूँ, हर करियर का अलग पोटेंशियल होता है। क्यों चुने वेस्टीज को अपनी जीविका, और क्यों आप दिन के 2 घंटे वेस्टीज में लगाएं किसी और काम को करते हुए, तो आज यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉब्स की, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइडें ऐड करी हैं, कुछ डेटा मैंने उठाया है, यू नो अलग अलग जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैकिन्जी की रिपोर्ट या CMI की रिपोर्ट, वहां से कुछ चीजें मैंने यू नो देखी। इनफैक्ट अगर मैं जॉब्स की बात करूँ तो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं, एंड इट्स ओके अगर आप जॉब करते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन एक चीज कही जाती है जॉब के बारे में कि ऑलवेज लव योर यू नो जॉब, ऑलवेज लव योर वर्क, नेवर लव योर कंपनी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, नेवर लव योर कंपनी बिकॉज यू डोंट नो व्हेन योर कंपनी माइट स्टॉप लविंग यू। कहने का मतलब यह है कि आज अगर हम बात करें जो CMI है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, आज की डेट में अबाउट 12 करोड़ इंडियंस हैव लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट ओवर द लास्ट 2 वीक्स। कैन यू इमेजिन, 12 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गवा चुके हैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर। एंड लेट अस अज्यूम दैट 8 करोड़ ऑफ दीज आर द मेन और द ओनली अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली, और इन 12 करोड़ लोग जिन्होंने अपनी नौकरी गवाई है उसमें से लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी अपने अपने परिवार के मेन अर्नर थे। मेन अर्नर होने का मतलब क्या है कि इनके ऊपर इनकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिग नंबर, 12 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं, बिकॉज लॉकडाउन अभी तीसरा चरण शुरू हो गया है, यू कैन सी दैट इन द फ्यूचर यू नो चीजों को समझने में, चीजों को बेटर होने में टाइम लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यहां मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी व्यक्ति को भयभीत करने का नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ एक रियलिटी शेयर कर रहा हूँ कि जो चीजें ऑलरेडी हो रही हैं और जो होने की संभावना है। ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जो रिसर्च कंपनीज हैं, जो डेटा कलेक्ट करती हैं ऑल अक्रॉस इंडिया से, जो रिसर्च करती हैं, उनके आधार पर ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आने वाले और कुछ समय के अंदर, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और लेट्स से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाने की संभावना है पैन इंडिया। एंड फाइनली एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, लेट अस नॉट फॉरगेट द 3.4 करोड़ पर्संस हु वर अनएम्प्लॉयड इवन बिफोर लॉकडाउन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया में यू नो आज पॉपुलेशन कितनी है, 137 करोड़, और जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, लॉकडाउन के होने से पहले 3.5 करोड़ लोग उस समय ऐसे मौजूद थे जो अनएम्प्लॉयड थे।
और उनमें से बहुत सारी स्किल्ड लेबर भी थी और अनस्किल्ड लेबर भी थी, और एट देयर नंबर टू 12 करोड़ हु लॉस्ट देयर जॉब्स. तो अगर आप देखें तो आने वाले समय में वी आर लुकिंग एट अ यू नो फिगर ऑफ अराउंड 15 करोड़, 12 करोड़ प्लस 3.5 करोड़, लगभग 15 करोड़, कैन यू इमेजिन, नंबर बढ़ रहा है. यू नो रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स के अंदर देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो आज इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको बेनिफिट मिला है और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको रिकवर होने में अभी काफी समय लगेगा. हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज थोड़ा जल्दी रिकवर कर लें, हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज थोड़े समय बाद रिकवर करें. और रिकवरी का जो प्रोसेस होता है किसी भी, ज्यादातर कंपनीज के अंदर, ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर, वो हमेशा यू शेप होता है, राइट. वी शेप बहुत कम देखा जाता है, लेकिन यू शेप का मतलब कि नीचे जाती है इंडस्ट्री, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर अप जाती है. नाउ यहाँ पर पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा उन इंडस्ट्रीज के बारे में जिनको रिकवर होने में समय लगेगा, राइट. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पर ये जो डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें रिसर्च हैं, ये फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ. एक इंडस्ट्री जिसको अभी रिकवर होने में काफी समय लगेगा वो है ट्रेवल एंड एविएशन. ट्रेवल एंड एविएशन का मतलब यू नो हवाई यात्राएं, रेल यात्राएं, जो यात्राएं लोग करते थे, अब आप देखते हैं बहुत लंबे समय तक शायद लोग बाहर ट्रेवल नहीं करेंगे, विदेशों में नहीं जाएंगे या दूसरी स्टेट्स में नहीं जाएंगे. रीजन क्या है, डर का माहौल बना रहेगा, और अभी तक यू नो आप जानते हैं कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती, एटलीस्ट वैक्सीन आने के कुछ समय बाद तक भी इस इंडस्ट्री को रिकवर होने में काफी समय लगेगा. तो जब मैं ट्रेवल और एविएशन की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ वो लोग प्रभावित नहीं होंगे जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं. अगर ट्रेवल और एविएशन इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, तो जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो प्रभावित होंगे ही होंगे. उसके अलावा जो बाकी लोग जिनका काम ट्रेवल और एविएशन से रिलेटेड है, यानी कि वो लोग जिनका बिजनेस डिपेंड करता है ट्रेवलिंग पे और यू नो एक जगह से दूसरी जगह आने पे, और बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी होती है ट्रेवल और एविएशन से, राइट. तो ये एक इंडस्ट्री सफर करेगी और इससे जुड़े हुए बहुत सारे बिजनेसेस जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, वहां पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा. दूसरी इंडस्ट्री जो बहुत प्रभावित होने की संभावना है और इनफैक्ट अभी से प्रभावित होने लगी है, वो है होटल इंडस्ट्री. होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक अभी लोग यू नो होटल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रेवल नहीं करेंगे तो होटल में नहीं जाएंगे. आज हम लोग इस कोरोना के पीरियड में जब आप घर में हैं लॉकडाउन के समय में भी, तो बाहर से कुछ मंगा के खाना शायद अभी भी आप लोग अवॉइड कर रहे होंगे, बाहर जाके खाना भी आप लोग अवॉइड कर रहे होंगे क्योंकि डर रहता है इन्फेक्टेड होने का. तो अगर कुछ खाने का मन है तो घर में ही बना रहे हैं, घर में चीजें खा रहे हैं, राइट. सो होटल इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहेगी. उसके अलावा मल्टीप्लेक्सेस एंड मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस यहाँ पे एक समय में आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होता हुआ देखते थे, बड़े बड़े मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस जहाँ पे 100-150 हजार लोगों की संख्या एक बारी में होती थी. तो जो भी बिजनेसेस मल्टीप्लेक्सेस और यू नो इस प्रकार के मॉडल पे काम करते हैं, उन बिजनेसेस को अभी रिकवर होने में एक लंबा समय जाएगा. उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और बिजनेस जो अभी काफी समय तक प्रभावित रहने की संभावना है, वो बिजनेस है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मार्केट. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मार्केट का मतलब है कि वो बिजनेस जहां पर लोग यू नो पैसा लगाते हैं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं. तो लोग अभी शॉर्ट टर्म मार्केटिंग नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे एंड यू नो अपने पैसे को अपने पास रखना चाहेंगे. तो ये मार्केट कहीं ना कहीं यू नो प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है. कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट अभी प्रभावित होगा, काफी लंबे समय तक प्रभावित होने की संभावना है. बिकॉज यू नो अभी पीपल वुड नॉट वॉन्ट टू, अभी आप देख रहे हैं बहुत से लोग जिन्होंने शायद आज से कुछ समय पहले तक अपना फ्लैट बुक कराया होगा या कहीं प्रॉपर्टी बुक कराई होगी, और जिन्हें शायद 2020 के एंड तक पोजेशन मिलने की संभावना थी, आप देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद अभी उनका पोजेशन डिले हो गया होगा, या हो सकता है कि अभी पोजेशन ना मिले बिकॉज कंस्ट्रक्शन किसी ना किसी कारण से अभी
डिले हो गई। ये सारे जो जो बिजनेसेस हैं इनके अंदर संभावना है कि अभी रिकवरी में टाइम लगेगा, राइट। और अगर रिकवरी में टाइम लगेगा, यू शेप ग्रोथ होगी, तो जितने भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज इम्पैक्ट करेगी, कहीं ना कहीं उन सबको प्रभावित करेगी। नाउ अगर हम बात करें आपसे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऊपर जाएंगी, जो ग्रो करेंगी, जो बूम करेंगी, जो सेक्टर्स जिनके अंदर लोग सफल होंगे, उसके अंदर सबसे पहली इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि आज के समय में एक ऐसा माहौल है जहां पर हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर पहले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया है। हर व्यक्ति अब हेल्दी रहना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्ट्रांग रहे, वो हेल्दी रहे। और आज से लगभग 15 साल पहले जो वेस्टीज शुरू हुआ था, 15-16 साल पहले, तब हम लोग कहते थे, जो कंपनी की मैनेजमेंट ये बात कहती थी कि आने वाले समय में हेल्थ केयर बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है और इम्यूनिटी को लेकर लोग और ज्यादा कंसर्न होंगे। तो हेल्थ केयर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आप लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी हेल्थ केयर बिजनेस से बिलोंग करते हैं। दूसरा सेक्टर जो ग्रो कर रहा है और इम्पैक्ट और ज्यादा ग्रो करेगा, दैट विल बी एग्रीकल्चर, राइट। तीसरा सेक्टर जो ग्रो करेगा, दैट विल बी वर्क फ्रॉम होम एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। देखिए आज के समय में एक ऐसा माहौल है जहां पर लोग अब ये चाहते हैं कि उनकी जॉब के अलावा उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जहां पे वो वर्क फ्रॉम होम कर पाए या अपना कुछ काम कर पाए, राइट। हर व्यक्ति अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी है कि एक बैकअप होना चाहिए, कि सिर्फ एक इनकम के ऊपर निर्भर नहीं रहना, एक ऐसा साइड बाय साइड कोई काम क्रिएट करना है जहां पे हमारे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आती रहे, पैसिव इनकम, कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास पैसा आता रहे, या कोई ऐसा काम जो हम अपने आप से कर पाए, हाउसवाइफ्स कर पाए, स्टूडेंट्स कर, जॉब के साथ पार्ट टाइम में आप किसी भी बिजनेस को बिल्ड कर पाए जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आती रहे। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में जब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कितनी जरूरी होती है ये चीज लोगों को रियलाइज हो गई, तो अब वांट टू गो फॉर अ बिजनेस जहां पर आपके पास एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज हो, राइट। और वेस्टीज किसी भी व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी देता है। वेस्टीज हेल्थ केयर में है, एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप देखते हैं, दे आर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, दे आर हर्बल प्रोडक्ट्स। सो थर्ड इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, और उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर ग्रो करेगा क्योंकि लोग मोबाइल फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, लोग डेटा ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग इस मीटिंग को मोबाइल फोन पे अटेंड कर रहे हैं, तो डेटा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, टेलीकॉम फोन कॉल ज्यादा हो रही है, ज्यादा काम फोन के माध्यम से हो रहा है। तो लॉकडाउन के बाद एक इंडस्ट्री जो ग्रो करेगी, दैट विल बी टेलीकॉम सेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री ग्रो करने की संभावना है, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, राइट। सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, और इनफैक्ट ये वो चीजें हैं जो इंसान कभी इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकता। आप चाहे डजंट मैटर लॉकडाउन है या लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के बाद में, हम नहाएंगे जरूर, हम ब्रश जरूर करेंगे, हम अपने बाल शैम्पू जरूर करेंगे, इन सारी चीजों को इंसान इस्तेमाल करना कभी बंद नहीं कर सकता। तो ये चीजें ग्रो ग्रो करती रहेंगी और बूम करती रहेंगी। नाउ जब ये चार्ट मैंने आपको दिखाया, तो आई एम श्योर अब आप कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे होंगे कि आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने लिए एक सिक्योर करियर चाहिए, तो आपको उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना होगा और उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना होगा जो इंडस्ट्री आपको किसी भी क्राइसिस की मोमेंट में भी आपको एक अच्छी इनकम देने का काम करती है और आपको सिक्योरिटी देने का काम करती है, राइट। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस कि वेस्टीज करें या कुछ और करें। देखिए मैं आपको एक चीज कहता हूं कि अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई और बिजनेस है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो ना करो और अभी सिर्फ वेस्टीज करो, ठीक है। आप जॉब के साथ वेस्टीज करो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके साथ में आप वेस्टीज को बिल्ड करो। मैं कह रहा हूँ बिल्ड करो। बिल्ड करने का मतलब कि धीरे धीरे वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करो और इस लेवल तक बिल्ड करो कि
कि कल को अगर आप कोई दूसरा काम नहीं भी करते हो तो वैसे ही से आपको इतनी इनकम आती रहे कि आपको कुछ और काम करने की जरूरत ना पड़े, राइट? नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टीज और समथिंग एल्स, तो यहां पर मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहूंगा, वेस्टीज करें या जॉब करें। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जॉब के साथ वेस्टीज करो, अगर आप जॉब कर रहे हो उसके साथ वेस्टीज का बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर दो। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जॉब में किसी भी इंसान को पैसा तब तक आता है जब तक वो काम करता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा चीजों की, लेकिन जॉब में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको पैसा कब तक आता है? जब तक आप काम करते हैं। मान लीजिए आज आपकी डिपार्टमेंट में, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहां पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके उस डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, तो आपको इनकम आ रही है, आपको पैसा आ रहा है। कल को अगर वो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाता है, राइट, तो फिर क्या आपकी या किसी और इंसान की जरूरत होगी उस कंपनी के अंदर? बिल्कुल नहीं होगी। आप अगर एक जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को करते हुए मान लीजिए आपकी अच्छी खासी सैलरी है 80-90 हजार रुपए या उससे ज्यादा, अगर आप कमा रहे 50-60-70 हजार रुपए अगर आप कमा रहे हैं, जब क्राइसिस आता है, जिस समय यू नो इन्फ्लेशन आती है, जब डिप्रेशन आता है इकोनॉमी के अंदर, तो हर कंपनी के अंदर ये होता है, आपने होते हुए देखा होगा कि कंपनीज के अंदर कॉस्ट कटिंग होती है। कॉस्ट कटिंग इन टर्म्स ऑफ कि एक व्यक्ति जिसको महीने का 50,000 रुपए दिया जा रहा है, तो कंपनी के लोग सोचते हैं कि इसको 50,000 रुपए देने से अच्छा अगर हम 5 लोग ऐसे हायर कर लें जिनको हम 10-10 हजार रुपए दें, तो वो 5 लोग इस एक व्यक्ति से ज्यादा काम करेंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जॉब के अंदर आपके पास एक चीज नहीं होती बहुत सी बार, वो होती है सिक्योरिटी, और दूसरी चीज आपके पास जो इनकम आज आपको आ रही है वो तब तक आती है जब तक आप काम करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी जब आप रिटायर होते हैं, तो आप जानते हैं आज के समय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पेंशन नहीं आती, लेकिन अगर किसी को पेंशन आती भी है तो पेंशन हमेशा सैलरी की आधी होती है, राइट? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज वेस्टीज में ऐसे कितने लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन करके आज वेस्टीज को फुल टाइम करना शुरू कर दिया और आज कहीं ज्यादा पैसा आज वेस्टीज में कमा रहे हैं। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव जी, जो BHEL में जॉब करते थे, वहां से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली, आज वेस्टीज में उस जॉब से कहीं गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आज उनके पास जेगुआर जैसी गाड़ी है, BMW जैसी गाड़ी है, थिंक। सो अगर आप सिर्फ जरूरतें पूरे करना चाहते हैं तो आप जॉब करिए। मैं आज फिर एक बात बोलूंगा, जॉब करो कोई बात नहीं है, लेकिन फुल टाइम जॉब आपकी जरूरतें पूरी करती है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड करते हो, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सपने पूरे करता है। तो बिल्ड करना है सीरियसली। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें वेस्टीज और किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है, तो देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पहली चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क, राइट? जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क। वेस्टीज बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि वेस्टीज बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ज्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, शायद यही एक कारण होता है कि लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारा कहीं पर 5-10 लाख रुपए नहीं लग जाता, तब तक हम किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं होते। आज वेस्टीज में बिना इन्वेस्टमेंट के हम शुरुआत कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी, आप उतने ज्यादा फ्री होते जाओगे। एक चीज याद रखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको रिस्क उठाना होगा। और वेस्टीज बिजनेस के अंदर बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई बड़ा रिस्क उठाए, आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो ऑल अक्रॉस इंडिया और एक पैसिव इनकम कमा सकते हो। यानी कि पैसिव इनकम का मतलब कि जब आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको इनकम आती है, दैट इज नोन एज पैसिव इनकम, राइट? दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर आपकी इनकम अनस्टेबल होती है। मान लीजिए प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जहां पर वो डिपेंड करता है मार्केट अभी अप है कि डाउन है। अगर मार्केट अप होगी, अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, तो आपको इनकम आएगी, अगर डाउन होगी तो आपको इनकम नहीं आएगी। बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहां पर इनकम सीजनल होती है, जैसे आप देखते हैं बहुत से काम गर्मियों में चलते हैं, जैसे एसी कूलर का काम गर्मियों में चलेगा, कोल्ड ड्रिंक का, लस्सी का, हीटर का काम ठंड में चलेगा, छाते का, बरसाती का काम ये बारिश में चलेगा। तो बहुत से काम हैं जो सीजनल हैं, और सीजनल काम के अंदर एक सीजन में इनकम आती है और फिर आपको वेट करना पड़ता है पूरे साल
कि कब वो सीजन आएगा और कब आपको इनकम आनी शुरू होगी, राइट? सो आपको एक ऐसा बिजनेस करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आपकी इनकम सूरज की तरह उगती, सूरज की तरह यानी कि वो होगी ही होगी, वो आएगी आएगी, डजंट मैटर समय क्या है, परिस्थितियां क्या है। आज अगर आप वेस्टीज के बिजनेस को देखें और इन हालातों में देखें, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे लीडर्स आज भी रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, आज भी रेगुलर चेक्स वेस्टीज के आ रहे हैं, लोगों के इनकम्स इस लॉकडाउन के पीरियड में भी रेगुलर इनकम आज लोगों को आ रही है, राइट? क्योंकि बिजनेस होना बंद नहीं हुआ है, हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी चालू है, हमारी बहुत सी ब्रांचेस ऑपरेशन में है, बहुत सारी ब्रांचेस बहुत जल्दी हमारी ओपन अप हो जाएंगी। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जो बिजनेस हमने पिछले महीने क्लोज किया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने हमने 100 करोड़ क्लोज किया, सॉरी इट वाज मोर देन 100 करोड़, बट इन दिस मंथ वी आर अबाउट टू क्लोज 200 करोड़। सो बिजनेस इनफैक्ट बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। जो परसेंटेज ऑनलाइन बिजनेस का होता था पहले, वो परसेंटेज बढ़ गया, अब लोग ऑनलाइन ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि आज अगर मैं वेस्टीज का चुनाव करता हूँ, तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर किसी भी परिस्थिति में, किन भी हालातों में, मेरे पास एक पैसिव इनकम आती रहेगी, मेरे पास सिक्योरिटी होगी। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं वेस्टीज में आप भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानते होंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी फैमिलीज को रेगुलर इनकम आ रही है वेस्टीज के बिजनेस के माध्यम से, राइट? क्यों? क्योंकि उनके नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, उनकी टीम्स आज भी काम कर रही है। पैसिव इनकम को जनरेट करने का इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आपको काम करने पे पैसा कितना आता है, सवाल ये है कि जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको कितना पैसा आता है। नाउ जब हम वेस्टीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। पहली चीज, जब आप वेस्टीज के बिजनेस को करते हैं, पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है कि आप यहाँ अपने बॉस होते हैं, आप यहाँ पर अपने लिए काम करते हैं, आप किसी और व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। दूसरा बेनिफिट जो आपको वेस्टीज के बिजनेस के अंदर मिलता है कि आप किसी भी काम को करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप वेस्टीज के बिजनेस को कर सकते हैं, उसको उसका चुनाव कर सकते हैं। आप चाहे दिन में 2 घंटे जो काम करें, चाहे दिन में 1 घंटा काम करें, लेकिन रेगुलर काम करें। वेस्टीज के अंदर मैं कहूंगा पार्ट टाइम बिल्ड करो या फुल टाइम बिल्ड करो, लेकिन कभी भी सम टाइम बिल्ड मत करो, राइट? कि कभी करके देख लिया, 2 4 दिन मन करा मीटिंग करने का तो कर ली, उसके बाद आराम से बैठ गए, फिर हमें फिर दोबारा याद आ गया, अरे हम तो काम करना है। तो सम टाइम मत करिए, रेगुलर करिए, थोड़ा थोड़ा काम करिए। और अगर आप दिन के 2 घंटे भी वेस्टीज में देते हैं, आपने दिन के 2 घंटे दिए तो महीने में आपने कितने घंटे दिए, सोचिए, राइट? सो थिंक अबाउट इट। विकास, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आवाज आ रही है। एक्चुअली मैंने सुधार जी चैट एक्चुअली डिसेबल कर दिया था, बिकॉज कुछ लोग ना मतलब चैट में कुछ गलत लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए चैट मैंने ऑफ कर दिया। राइट, सो विकास, ओके, थैंक यू। सो लेट्स टॉक अबाउट वेस्टीज। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज वेस्टीज का चुनाव क्यों करें, पहली चीज, आप अपने बॉस हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप अपना समय खुद चुन सकते हैं, आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है, चूज योर ओन वर्किंग आवर्स। और तीसरा बेनिफिट जो वेस्टीज आपको देता है कि आप इस बिजनेस के अंदर उन लोगों का चुनाव कर सकते हैं जिनके साथ आप करना चाहते हैं। नाउ ये महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर कि आप चुनाव करें उन लोगों का जिनको आप अपनी टीम के अंदर लाना चाहते हैं। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर ये कोई भर्ती करा बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस के अंदर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, राइट? आप कैसे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों को लगता है लोगों का बिजनेस है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिजनेस 6 लोगों का नहीं है, ये बिजनेस आपके जैसे 6 लोगों का है, हमारे जैसे 6 लोगों का है, वो लोग जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है सफल। ये लोगों का चुनाव करें, किसके साथ आप बिजनेस बिल्ड करना चाहेंगे, किसको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहेंगे। और कोई व्यक्ति, अगर आप किसी को प्लान देने जाते हैं, अगर वो व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता,
डजंट मैटर, आप उसे कंज्यूमर बना सकते हैं, राइट। आज अगर कोई आपका कंज्यूमर बन गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में वो आपके बिजनेस के अंदर जुड़ के, आपके नेटवर्क में जुड़ के, आपकी टीम में जुड़ के अच्छा काम करना शुरू कर दे, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट को लेकर बिलीव है, राइट। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर बने रहना चाहता है और अगर अभी वो बिजनेस नहीं करना चाहता, तो आप उससे कंज्यूमर बने रहने दीजिए, लेकिन काम उन्हीं लोगों के साथ करिए और चुनाव उन्हीं लोगों का करिए जिनके अंदर आपको एक बर्निंग डिजायर नजर आती है। बाली सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप जो रेस कराते हैं वो हमेशा घोड़ों की कराते हैं। घोड़ों की रेस आपने देखी होगी कभी, यू नो, उसके अलावा किसी और की रेस आपने नहीं देखी होगी, गधों की कोई रेस आपने नहीं देखी होगी। सो चूज द राइट पीपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और बेनिफिट जो आपको वेस्टीज के बिजनेस के अंदर मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि आप इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, जहां जहां आज वेस्टीज का बिजनेस है। देखिए मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर में फैलाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए, तो आपके पास सेटअप होना बहुत जरूरी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, और आपके पास उस लेवल के रिसोर्सेज होने जरूरी है। लेकिन वेस्टीज के बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपने बिजनेस को ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, इस बिजनेस को ऑनलाइन किया जा सकता है, आप अपनी टीम कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं, अपना नेटवर्क कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं, उन कंट्रीज में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं जहां पर अभी तक वेस्टीज का बिजनेस पहुंच चुका है। आप देखते हैं नेपाल, बहरेन, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुबई और बांग्लादेश और कई कंट्रीज में वेस्टीज ऑलरेडी मौजूद है। तो जहां जहां वेस्टीज का बिजनेस है, जहां जहां वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, वहां वहां आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। कंपनी के प्रोडक्ट्स हर जगह आपको मिल जाएंगे, कंपनी की ट्रेनिंग्स, कंपनी की सर्विसेज पैन इंडिया आपको मिल जाएंगे और इंडिया के बाहर, राइट। सो बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं आप, कितनी बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। नाउ यहां पर मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा आगे बढ़ते हुए कि देखिए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, अपनी सोच को बदलना जरूरी है, अपने काम करने के तरीके को बदलना जरूरी है। और समय बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अब आप देखेंगे लोग ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं, पहले से टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपके मोबाइल फोन की बात करूं, आपके मोबाइल फोन ने अलार्म क्लॉक की जगह ले ली, जो पहले वीडियो कैसेट्स आती थी उनकी जगह आपके मोबाइल फोन ने ले ली, वीसीडी प्लेयर सब नहीं आते उसकी जगह मोबाइल फोन है आपका, हैंडी कैम्स की जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली, कैलकुलेटर जो घरों में हुआ करते थे उसकी जगह मोबाइल फोन ने ले ली, कैमरास जो घर में हुआ करते थे, जो वीडियो गेम मशीन्स होती थी उन सब की जगह मोबाइल फोन ने ले ली। आज के समय में बटन दबाकर आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको अपना पानी का बिल जमा करने के लिए या अपना मोबाइल का बिल जमा करने के लिए आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप चीजें ऑनलाइन कर सकते हो, आप चीजें ऑनलाइन सीख सकते हो और चीजें ऑनलाइन सिखा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन बदलते हालातों में अपने बिजनेस के करने के तरीके को हमने और बेटर करना है, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है कि कैसे हम अपनी टीम से या अपने लोगों से टेक्नोलॉजिकली कनेक्ट होके बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, राइट। सो अब यहां तक अभी तक हमने ये समझा कि क्यों वेस्टीज को अपना करियर चुने। जब आपने समझ लिया वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना है, तो यहां पर अब एक सवाल जो बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि वेस्टीज ही क्यों करें, वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी का चुनाव जब आप करते हैं, एक अच्छी कंपनी का चुनाव जब आप करते हैं, तो उस कंपनी को चुनने में आपके पास पांच पैरामीटर्स होते हैं। इन पांच पैरामीटर्स, इन पांच मापदंडों के आधार पर आप किसी भी कंपनी का चुनाव करते हैं। सबसे पहला मापदंड होता है कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, कितने लोग सफल हुए कंपनी में। दूसरा, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, राइट, प्रोडक्ट लोगों के काम के हैं या नहीं है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट यानी कि वो लोग जो कंपनी को चला रहे हैं वो कितने अनुभवी हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की मार्केट कितनी बड़ी है, मार्केट का मतलब कि उस कंपनी के प्रोडक्ट अगर आज लोग यूज कर रहे हैं
तो क्या आने वाले समय में और ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे? और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है? तो जब आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, पांच पैरामीटर्स, पांच मापदंडों के आधार पे आप उस कंपनी का चुनाव करते हैं, राइट? विकास, आर यू देयर विद मी? तो यहाँ पर मैंने बताया पांच मापदंड है विकास की, इन पांच चीजों के आधार पे हम कंपनी का चुनाव करते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द फर्दर स्लाइड्स इफ यू फॉरवर्ड फॉर अ व्हाइल? सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर पीपीटी सो आई कैन टेक इट। जी, किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो पांच चीजों में सबसे पहली चीज होती है कंपनी, राइट? नाउ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जब हम कंपनी का चुनाव करते हैं, हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि उस कंपनी ने पिछले कई सालों में कितनी ग्रोथ करी, कितने लोग उस कंपनी के अंदर सफल हुए। अगर आज हम वेस्टीज की बात करें तो आप जानते हैं कि जून के महीने में वेस्टीज अपने 16 साल पूरे करने वाली है, राइट? 16 ईयर्स, विच वुड बी अ टीन एज फॉर वेस्टीज। और आज अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो जो वेस्टीज का क्यूम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है, विच इज 79% इन लास्ट 15 ईयर्स। 79% ग्रोथ रेट होना किसी भी कंपनी का, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये दिखाता है, क्योंकि हर कंपनी इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती है। आज अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर बेस की बात करें तो ये कंपनी जो आज से लगभग 15-16 साल पहले शुरू हुई थी, जब कंपनी के अंदर गिनती के 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, आज वेस्टीज के अंदर 1,90,00,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये नंबर थोड़ा पुराना है, लगभग 2-3 महीने पहले का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इनफैक्ट अब ये नंबर और बढ़ता जा रहा है। तो 1,90,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स आज सिर्फ इंडिया के अंदर है, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर और कंट्रीज में जो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी संख्या अभी मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करी है, तो निश्चित तौर पर ये नंबर हमारा और बड़ा होने वाला है। और आज हमारे पास लगभग 48 ऑफिसेज हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। 48 ऑफिसेज होना किसी भी कंपनी का बहुत मायने रखता है। हमारे पास आज 2500 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर और हमारी ब्रांचेस होने का बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेनिफिट ये है कि अगर किसी कंपनी के पास सिर्फ 1 या 2 वेयर हाउस है, और वो वेयर हाउस अगर ऐसी जगह पे है जहां पर रेड जोन है, और अगर वो वेयर हाउस बंद हो गया तो प्रोडक्ट किसी व्यक्ति तक ऑल अक्रॉस इंडिया नहीं पहुंच पाएगा। When we are talking about Vestige, अगर एक वेयर हाउस अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास बाकी वेयर हाउसेज अवेलेबल है, बाकी जगह अवेलेबल है जहां से प्रोडक्ट और जगहों पे जा सकता है। इसलिए आज हम ऑनलाइन डिलीवरी कर पा रहे हैं, राइट? ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। बहुत सी ब्रांचेस हमारी ओपन हो गई हैं और बहुत जल्दी आप बाकी ब्रांचेस को भी ओपन अप होते हुए देखेंगे, जहां पे आप प्रोडक्ट जाकर भी ले सकते हैं। और इनफैक्ट अब ऑनलाइन का जमाना है तो पॉस के माध्यम से आप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगा सकते हैं, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट कैटेगरीज की, तो अगर मैं सिर्फ वेस्टीज की बात करूं, मैं वेस्टीज बेस्ट डील की बात ना करूं, तो सिर्फ वेस्टीज में हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट हैं इन 14 डिफरेंट कैटेगरीज। 14 से ज्यादा कैटेगरीज में हमारे पास आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस, आज हम लोग बहरेन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सारे कंट्रीज में आज वेस्टीज के ऑफिसेज अवेलेबल हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं। तो वेस्टीज का एक सपना है, वेस्टीज की मैनेजमेंट का सपना है कि बाय 2025 वेस्टीज का बिजनेस 50 से ज्यादा देशों में होगा और वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज का नाम होगा। और जिस तरीके से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं 30वें स्थान पे हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जहां तक संभावना है कि 2025 से पहले ही Vestige will be among the top 10 direct selling companies in the world, right? यहाँ पर जब हमने कंपनी का प्रोफाइल जाना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना। देखिए, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया में सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, CNT जिसको हम बोलते हैं, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी अगर कोई थी इंडिया में, दैट वॉज वेस्टीज। ये वेस्टीज ने किया और आज हमारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो कंज्यूमेबल हैं। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होने का मतलब वो प्रोडक्ट जो लोग बार 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 इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। आपको मैंने बताया 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट 14 कैटेगरीज दैट वी हैव गॉट।
उसके अलावा अगर हम बात करें यू नो सर्टिफिकेशंस की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा सर्टिफाइड हैं। आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं और एफडीए स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। इसके अलावा वेस्टीज को अपनी इनोवेशन के लिए, अपनी एक्सेलेंस के लिए एक अवार्ड मिला है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के माध्यम से ये अवार्ड हमें मिला था फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, राइट। सो दीज आर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स जो वेस्टीज को आज मिले हैं। इसके बाद पहली चीज आपने देखी कंपनी कैसी है, नंबर टू प्रोडक्ट कैसे हैं। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बात ये करते हैं क्या वो प्रोडक्ट्स लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स लोगों के काम के हैं, क्या प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान तो नहीं होता। एंड आई एम श्योर आप इस बात का जवाब हाँ में दे रहे होंगे कि वेस्टीज के प्रोडक्ट से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि आप खुद उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसे। नाउ जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है उसकी मैनेजमेंट के अनुभव पे। ज्यादातर डायरेक्ट कंपनी जो सफल नहीं हो पाती, कामयाब नहीं हो पाते, उसका सबसे बड़ा कारण एक होता है कि मैनेजमेंट के पास अनुभव नहीं होता, राइट। आप एक चीज समझिए, पैसा लगाकर आप कंपनी शुरू कर सकते हैं लेकिन पैसा लगाकर आप कंपनी चला नहीं सकते और कंपनी को ग्रो नहीं कर सकते अनलेस और अंटिल आपके पास एक्सपीरियंस हो। आज वेस्टीज की मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यू नो कई सालों का अनुभव आज मैनेजमेंट के पास है। जहां पर मैं बात कर रहा हूँ हमारी कंपनी के एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर की, मैं बात कर रहा हूँ हमारी कंपनी के डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस्टर दीपक सूद सर की, और मैं बात कर रहा हूँ हमारी कंपनी के आईटी डायरेक्टर मिस्टर कन्वर वीर सर, राइट। आज वेस्टीज जीएमपी के द्वारा सर्टिफाइड है जैसे कि मैंने आपको बताया, और आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज आज 30वें स्थान पे, 30th रैंक पे। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि वेस्टीज रिसेंटली एक अवार्ड वेस्टीज को मिला विच इज नोन एज यू नो ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड, और इंडिया की टॉप 50 ग्रेट मिस साइज कंपनीज के अंदर वेस्टीज का नाम आया। और आज हम लोग हडसा के मेंबर हैं विच इज हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। तो मैनेजमेंट का अनुभवी होना कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर ग्रोथ का कारण है। अगर मैनेजमेंट हमारी अनुभवी है, दूरदर्शी है, तो आप ये देखिए, आप एक चीज समझ सकते हैं कि आज से 15 साल पहले जब कंपनी शुरू हुई थी तो मैनेजमेंट का ये थॉट था कि आने वाले समय में लोगों को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। तो हमारा आज भी और आने वाले समय में जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो एक कैटेगरी के ऊपर रहेगा, एंड दैट विल बी हेल्थ केयर। नाउ कंपनी की ग्रोथ आप लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि 2025 तक वेस्टीज का जो सपना है दैट इज टू बी प्रेजेंट इन मोर देन 50 कंट्रीज, 50 से ज्यादा देशों में मौजूद होना। उसके अलावा मोर देन 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये वेस्टीज की मैनेजमेंट का सपना है दैट बाय 2025 वेस्टीज के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे विद अ रेवेन्यू ऑफ 2.8 बिलियन US डॉलर्स, यानी कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर दैट विल बी बाय 2025, और 1,00,000 से ज्यादा कार ओनर्स बाय 2025, 1,00,000 से ज्यादा लोगों के पास उनकी ड्रीम कार होगी। और एक चीज आप समझिए कि इस कंपनी के अंदर हम लोग एक चीज हमेशा कहते हैं कि आपकी सफलता में हमारी सफलता है, और जब आपकी सफलता आपको मिलेगी तो वेस्टीज की सफलता वेस्टीज को अपने आप मिलेगी। व्हाट डू आई मीन टू से कि जब आप एक बढ़ती हुई कंपनी के साथ सफर करते हैं, जब आप एक ग्रो करती हुई कंपनी के साथ रहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उस कंपनी के अंदर ग्रो करते हैं। अगर आपके पास एक सही प्लेटफॉर्म होता है तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक कंपनी के अंदर हमें देखनी बहुत जरूरी होती है, इनफैक्ट आज के दौर में अगर हम बात करें तो मार्केट हमारी कितनी बड़ी है और आने वाले समय में मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है, ये जानना, ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट, देखिए आज और आने वाले समय में शायद लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी जहां पर वो एक अच्छी इनकम बिल्ड कर पाए, जहां पर वो एक
अपने करियर को, अपने आपको सिक्योर कर पाए। और आज जब वेस्टीज इतने लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहां पे हाहाकार मचा हुआ है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पीपल आर नॉट यू नो सिक्योर विद देयर जॉब, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज नीचे जा रही हैं, उस दौर में, उस समय में, आज के डेट में वेस्टीज के लीडर्स को इनकम आ रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं और बिजनेस स्मूथली चल रहा है, तो आने वाले समय में ये मार्केट इम्पैक्ट हमारी और बड़ी होगी और ज्यादा लोग इस बिजनेस के अंदर जुड़ना चाहेंगे। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज जो आपकी मार्केट को हमेशा और बड़ा करती रहेगी, वो है हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट है जो समय के साथ और ज्यादा बड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, हर व्यक्ति एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड विद टाइम और ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। तो हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीजें आपको या किसी भी इंसान को वेस्टीज देने का काम करता है। ये चीजें अगर आज रिक्वायर्ड है तो आई एम श्योर आने वाले समय में और ज्यादा लोगों को ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी और आपके बिजनेस में और ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेंगे। फाइनली जो चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, ओके आई एम फ्री नाउ, कैन आई टेक ऑन? आप खुद समझ सके, दूसरों को सिखा सके और डुप्लीकेट कर सके, क्योंकि देखिए एज ए लीडर हमें चीज समझनी जरूरी है कि काम को ऐसा करो, इस तरीके से करो ताकि सामने वाले को वो चीज सरल लगे। सो कंपनी वेस्टीज बिलीव करती है लोग को एजुकेट करना। हम लोग बहुत बहुत पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपने लोगों को एजुकेट कर सके। बिकॉज आप भी देखिए कि जब सिद्धार्थ में जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हमेशा एक बात बोलते हैं कि नॉलेज बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में, आपकी ग्रोथ के लिए और लोगों की ग्रोथ के लिए। सो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आसानी से समझ आता है, सीखा जाता है, इसको इजीली आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और यही एजुकेशन सिस्टम का लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। और ये एजुकेशन सिस्टम लाइक क्यों वेस्टीज में लोग कामयाब है, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो नंबर ऑफ जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स हैं, जो टूल्स हैं, वो उन लोगों के द्वारा लाई गई है जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का। हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उस सोच के हिसाब से लाइक हमारी ट्रेनिंग्स को प्लान किया है, उसके मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए हैं, हमारे टूल्स लेके आए हैं ताकि उस चीज़ों का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर, वेस्टिज के अंदर खुद और अपने लोगों को और कामयाब बना सकें। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि 5% से लेकर एक डायरेक्टर से लेकर एक स्टार डायरेक्टर से लेकर एक डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर तक के लिए वो सिस्टम ऐसा प्लान किया गया है कि आप किसी भी लेवल पे हो, आप वेस्टिज के सिस्टम को, वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम को अगर आप टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे तो वो चीज़ आपकी बहुत मदद करती है वेस्टिज में जल्दी कामयाब होने के लिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप देख लीजिए कि आज ये जूम ट्रेनिंग्स आज से पहले होती नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने, ये हमारा सिस्टम ही है, हमारा कल्चर ही है जिसकी वजह से हम आपको जूम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। आज कितनी ज़्यादा नंबर्स, आज हर रोज़ कितनी ट्रेनिंग एवरी डे हमारे कंपनी के ट्रेनर्स कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कर रहे हैं, सो दैट हमारे जो नए लोग हैं, हमारे जो डाउनलाइंस हैं, उस एजुकेशन सिस्टम के साथ उन्हें कनेक्ट करके वो और ज्यादा सीख कर और नए नए लेवल्स को अचीव कर सके। तो हमारे लिए हम एजुकेशन सिस्टम जो हमें अलग करता है, और हमारा मानना है कि यही एजुकेशन सिस्टम से आज हमारी कंपनी के टॉप लीडर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारे साथ जो नए लोग हैं वो भी इसका फायदा लेकर वेस्टीज में बड़े बड़े इनकम्स, बड़े बड़े लेवल्स को अचीव करेंगे। सो एजुकेशन सिस्टम है जो वेस्टीज को अलग करता है दूसरी मार्केट से, दूसरे लोगों से। इसके साथ आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, ओके सो यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली वेस्टीज लाइक यहाँ पे एक चीज लिखी है कि डू यू नो हाउ मच पर आर यू आर वर्थ इन योर ओन वेस्टेज बिजनेस। की जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा था कि आमदनी कमाने के बहुत तरीके हैं, लोग नौकरियां भी करते हैं, लोग दुकान में भी चलाते हैं, लोग बिजनेस भी करते हैं, पर हम नौकरी जो कर रहे हैं, हम जो भी दुकान पे समय बिता रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमारा, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में हम कितने अपना, मतलब हमारा जो समय हम लगा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। आइए मैं यहाँ पे एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि
जब आप वेस्टीज में काम करते हैं, जब आप वेस्टीज में अपना समय लगाते हैं, जब आप वेस्टीज को अपनी अपना करियर चूज करते हैं, तो यहाँ पे आपके समय की क्या वैल्यू है, आइए उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक चीज कहा जाता है कि सर्विस के अंदर, नौकरी के अंदर सडन लाइक हम कितने साल, एक व्यक्ति 25 साल ऑन एन एवरेज 25 साल की उम्र से नौकरी करना शुरू करता है और अपने रिटायरमेंट 60 साल तक वो नौकरी करता है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 30 से 35 साल तक नौकरी करता है। अब अगर मैं नौकरी सर्विस की बात करूँ, अगर मैं हम लाइक इसको जॉब में ले लेते हैं कि अगर आप किसी भी जॉब के अंदर अगर आप ऑन एन एवरेज 8 घंटे भी रोजाना काम करते हो और साल में 365 दिन होते हैं, चलो हम संडेज निकाल देते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज निकाल देते हैं, तो देखा जाए तो एक साल के अंदर 300 दिन आप अगर मेहनत करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, और जैसे अभी हमने बात की कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 35 साल काम करता है, तो अगर आप रोजाना नौकरी में 8 घंटे नौकरी करते हैं, 300 दिन काम करते हैं साल में और 35 साल काम करते हैं, तो आप उन 35 साल के अंदर अपनी नौकरी जो आप सर्विस करते हैं वो 84,000 घंटे आप अपनी नौकरी को दे रहे हैं, अपनी आप कंपनी को दे रहे हैं जहाँ पे आपने 84,000 घंटे नौकरी की है, राइट। अब आगे बढ़ते हुए अब कितनी वैल्यू है अगर देखा जाए, तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कि अगर आप, अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए महीने के अपनी नौकरी से कमाता है, तो अगर वो 20,000 रुपए महीने के नौकरी से कमाता है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और जैसे मैंने कहा 35 साल अगर वो काम करता है तो 20,000 रुपए को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी साल की आमदनी आ जाती है, और अगर 35 साल से मल्टीप्लाई कर दे तो एक 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 84 लाख रुपए कमाता है इन 35 सालों के अंदर अपने व्यवसाय से, अपनी नौकरी से। तो अगर हम एक यहाँ पे कैलकुलेशन समझें कि अगर आप 84 लाख रुपए कमाते हैं जिंदगी भर नौकरी करके, और अगर आप 84,000 घंटे नौकरी करते हैं, तो 84 लाख रुपए को अगर मैं 84,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक आइडिया आ जाएगा कि पर घंटे मैं अपनी नौकरी से, सर्विस से कितना पैसा कमा रहा हूँ। तो अगर आप 84 लाख रुपए को 84,000 से डिवाइड करते हैं तो 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति ऑन एन एवरेज अपनी नौकरी में 100 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है। उसकी जो आमदनी है वो 100 रुपीज पर आर है। ये ऑन एन एवरेज बात की है। अगर आप 20,000 को 40,000 कर दोगे, 60,000 कर दोगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा, बट हमें लेते हैं कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज जो एक निकाली जाती है कि 20,000 रुपए लाइक काफी बहुत लोग कमाते हैं, तो नौकरी करके व्यक्ति ऑन एन एवरेज 100 रुपीज पर आर कमाता है अगर वो 35 साल काम करता है लगातार तो, राइट। अब अगर हम वेस्टिज की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, अब वेस्टिज के अंदर यहाँ पे एक बात की जाती है कि वेस्टिज को क्यों अपनी जीविका चुनना है, क्योंकि वेस्टिज में अगर आप 5 साल काम करते हैं, हम लोग कभी कहते हैं कि अगर आप वेस्टिज में, अगर आप कोई भी व्यक्ति, देखिए हम लोग 5 साल क्यों कह रहे हैं, कामयाब होने वाले 1 साल में भी हो जाते हैं, 2 साल में भी हो जाते हैं, और पर 5 साल एक वो पीरियड होता है जहाँ पे हर तरीके का व्यक्ति, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी अगर कंपनी के सिस्टम से काम करे, कंपनी के ट्रेनिंग्स को टाइम से अटेंड करे, तो 5 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति वेस्टिज में आराम से क्राउन डायरेक्टर बन सकता है। तो अगर आप वेस्टिज में 5 साल काम करते हैं और अगर आप क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं, तो क्राउन डायरेक्टर की कम से कम इनकम हमारे वेस्टिज मार्केटिंग प्लान से 1 लाख रुपए वो आराम से कमा सकता है। तो अब अगर 1 लाख रुपए आप हर महीने कमाते हैं वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर बन के, और अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके 30 से कर दूं, 35 साल हमने पहले लिए थे, मैंने कहा चलो 5 साल क्राउन डायरेक्टर बनते बनते हो गए, बाकी अगर हम 30 साल और काम करते हैं तो 1 लाख रुपए हर महीने में क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे कमा रहा हूँ। 12 महीने को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 1 साल की इनकम आ जाती है, और अगर मैं 30 साल से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3,60,00,000 रुपए एक क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज में, अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपए भी मेंटेन करे, आज हमारे लीडर्स महीने के 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, ये करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आई थिंक सिद्धार्थ जी बात कर रहे थे यंग जनरेशन की, आज हमारे यंग जनरेशन जितने भी हमारे यंग लीडर्स हैं
आज वही 24 25 25 साल की उम्र के अंदर, आज वो दो दो तीन तीन साल के अंदर वो 6 6 लाख पे 5 5 लाख पे पहुंच चुके हैं। बट हम यहाँ पे एक एवरेज ले रहे हैं कि अगर आप, अगर एक क्राउन डायरेक्टर मिनिमम 1 लाख रुपए भी कमाता है और अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपए को ही मेंटेन रखता है 12 महीनों के लिए और 30 साल तक, तो वो वेस्टीज से कमाता है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि वेस्टीज को हमें अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पे आपकी पर आवर की इनकम क्या होती है, चलिए आगे समझते हैं। 5 घंटे, पहली बात तो यहाँ पे हम 5 घंटे रोज का काम करेंगे और 330 डेज, मैंने यहाँ पे 330 दिन क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज कहा जाता है कि यहाँ पे जब लोगों की संडेज को छुट्टी होती है तो हमें संडेज को हमारे पास एक बहुत अच्छा समय होता है छुट्टी वाले दिन लोगों से कनेक्ट करना, उनको वेस्टीज के फायदे बताना और उनको वेस्टीज में ज्वाइन करवाना। तो अगर आप रोजाना 5 घंटे वेस्टीज को देते हो साल में 330 दिन 5 साल के लिए, तो अगर आप 5 साल की बात भी करो तो 8,250 घंटे आपने काम किया। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो 3 करोड़ 60 लाख को अगर आप 8,250 से डिवाइड कर देते हो तो वेस्टीज में एक क्राउन डायरेक्टर ऑन एन एवरेज 4,363 रुपए हर घंटे कमाता है। अभी हम जो सर्विस की बात कर रहे थे वहाँ पे 100 रुपीज पर आर था, वेस्टीज में वहाँ पे 8 घंटे हम काम कर रहे थे, यहाँ पे 5 घंटे हम काम कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो इनकम आती है वो आती है 4,363 रुपए पर आर एक क्राउन डायरेक्टर की, अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपए भी मेंटेन करता है। अब सोचो अगर वो 1 लाख रुपए से कितना ज्यादा आज हमारे लोगों की इनकम है तो उसकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पे। सो देखा जाए तो वेस्टीज में काम करने से और दूसरी जगहों पे काम करने से फर्क क्या होता है कि दूसरी जगहों पे अगर आप एक नॉर्मल सर्विस में काम करते हैं तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज आप 100 रुपीज पर आर कमाते हैं, अगर आप वेस्टीज में कंपनी के सिस्टम के साथ काम करते हैं तो आप 4,363 रुपए पर आर कमाते हैं। आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है वेस्टीज में काम करने से और नॉर्मली नौकरी वगैरह करने से। सो अब ये डिसीजन आपके हमारे आपके हाथ में है कि आप वेस्टीज करना चाहते हैं या आप नौकरी करना चाहते हैं, द डिसीजन इज इन योर हैंड, राइट। सो मतलब एक ही चीज मैं कहूंगा कि समय बहुत बलवान होता है और जो व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन लेकर अपने टाइम पर सही इस्तेमाल करता है वही जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। सो हमारा आज का कहने का मकसद, हमारे आपको ये ट्रेनिंग का मकसद यही था कि वेस्टीज को जीविका क्यों चुनना है वो हमने समझा, कि आज हमें बताया गया कि कौन सा काम आज के टाइम में कौन से इंडस्ट्रीज बूम कर रही है और वेस्टीज ही क्यों वो इंडस्ट्री है जिसको चूज करके हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आपको सिद्धार्थ जी ने कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के फ्यूचर के बारे में बताया, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस बताया, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया। देन हमने एक लाइक कंपैरिजन किया कि वेस्टीज में आप एवरी डे में लाइक कितने रुपए कमा सकते हैं पर आवर और दूसरे नॉर्मल सर्विस में कितना कमा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि ये चीजें अपने नए लोगों को भी बताइए और उनकी मदद करिए उनको एक अच्छा करियर चूज करने के लिए, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जानकारियों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें करने की, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने की, लेकिन उनको एक सही मौका नहीं मिल पाता, उनको एक सही रास्ता नहीं मिल पाता। तो आप उनकी जिंदगी में वेस्टीज को लेके आइए और उनको वो रास्ता दिखाइए जिसकी वजह से वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी आमदनी कमाए और अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना सके। तो ये हमारे लिए भी है और हमारे नए लोगों के लिए भी है कि हम वेस्टीज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे हर घंटे जो हम नॉर्मली नहीं कमा पा रहे थे वेस्टीज करके हम अपनी आमदनी को और अच्छा कर लें, ताकि हम अपन और अपने आने वाले जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करें और ऐसे ही हम अपने लोगों को भी एक वो करियर दें जिसकी वजह से वो उस करियर में काम करके, उस वेस्टीज में काम करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बेहतरीन आमदनी ले, ताकि वो इकोनॉमिकली उसको कभी प्रॉब्लम ना आए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रॉम सिद्धार्थ एंड मी, जैसे मैंने कहा वेस्टीज के अंदर मेहनत करिए और लग कर मेहनत करिए ताकि आप
ये इंडस्ट्री ऐसे ही हमेशा ऐसे ही ग्रो करती रहेगी और ऐसे ही हमें और हमारे फैमिली को ऐसे ही सिक्योर और स्ट्रॉन्ग बनाती रहेगी. सो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीबडी, टुगेदर वी आर द बेस्ट. सो फ्रॉम सिद्धार्थ एंड मी एंड कुणाल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने आज का सेशन सुना. सो हम लोग ऐसे ही आपके साथ अलग अलग सेशंस लेके आते रहेंगे. सो